आज मैं आपको बहुत क्विक और इजी तरीके से कैसे राजमा चावल बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। पहले मैं क्या की ना, रात को 2 कप राजमा भिगा के रख दी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर कुकर में 2 चम्मच मैं सरसों तेल ले रही हूँ, उसके साथ कुछ खड़ा मसाला ले रही हूँ और लहसुन का कुछ दाना और प्याज उसके साथ उसको थोड़ा सा भून ले रही हूँ। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनना है। उसके साथ हम अभी मिर्ची और टमाटर डालेंगे, नमक देंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, उसको थोड़ा सा मिला के हम क्या करेंगे, पानी थोड़ा दे के प्रेशर कुकर का 2 से 3 सीटी दे देंगे। तो उसके बाद देखिए कितना अच्छे से बॉईल हो गया। अगर आप प्याज को ज़्यादा आप थोड़ा सा भूनेंगे ना तो ये इसे मैश करने के टाइम में आपको तकलीफ़ होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप भून के उसके बाद उसको इसे प्रेशर कुकर का सीटी दे देंगे। तो देखिए अच्छे से मसाला बहुत अच्छे से मैश हो गया। और अभी मैं क्या की हूँ, सूप किया गया राजमा को दे रही हूँ और उसको अच्छे से मसाले के साथ भून रही हूँ, उसके साथ पानी दे रही हूँ और कुछ कुछ मसाले उसके साथ यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर और उसके साथ कसूरी मेथी। तो ये पूरा रेडी हो गया और उसको हम मिला देंगे। तो देखिए कितना इजी तरीके से हम रेडी हो गया हमारा राजमा का मसाला। और उसको एक उबाल आने के बाद प्रेशर कुकर का 4 सीटी दे देंगे। तो 4 सीटी इसके बीच में हो गया, आपको प्रेशर कुकर का सीटी खोल के, ढक्कन खोल के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए वाओ कितना यम्मी सा और टेस्टी सा और मसालेदार हमारा राजमा रेडी, जो कि बहुत क्विक है और बहुत इजी तरीके से आपका रेडी हो गया। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा धनिया पत्ता दे देंगे तो ये रेडी हो गया। और इसको रोटी या चावल जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मस्त लगेगा। तो चलिए आज मैं आपको क्विक चावल भी बता रही हूँ। तो मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर राइस था तो उसमें मैं क्या की ना, 2 चम्मच अभी रिफाइंड का तेल डाली, आप चाहे तो घी में भी कर सकते हैं। उसमें मैं डाली सिनेमन और देखिए उसमें थोड़ा पेपर पाउडर, और पेपर पाउडर नहीं डाली हूँ, पेपर सीड डाली हूँ और क्लोव लौंग डाली हूँ। तेज पत्ता डाल के जो चावल है वो चावल मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, उसमें जीरा दे के, धनिया पत्ता दे के और मिर्ची अगर आप चाहे तो मिर्ची भी दे के इसको फ्राई कर देंगे। तो बहुत इजी तरीके से आपका चावल रेडी हो गया। उसमें थोड़ा सा नींबू दे देंगे और नमक स्वाद अनुसार दे के सर्व करेंगे, पापड़ और प्याज दे के अचार के साथ, मस्त लगेगा। और जब भी आपको कुछ करने का मन नहीं होगा तो ये सबसे इजी तरीके से राजमा चावल आप रेडी कर देंगे और खाएंगे और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।